हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैंने सोचा कि चलो शाम से ही स्टार्ट कर दें। सॉरी, मैं पूछना ही भूल गई, आप सब कैसे हैं? और मुझे मालूम है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा कि शाम का ही ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दूँ शाम से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया शाम का ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे ही जब भी मूड होता है तो मैं कैमरा उठा लेती हूँ, वरना फिर नहीं, क्योंकि अभी भी तबीयत उतनी सही नहीं चल रही है मेरी, बट काम है तो करना ही पड़ेगा। तो अभी देखिए, छवि का बाल मैंने कॉम्ब कर दिया है, क्योंकि अगर मैं बाल उसका कॉम्ब नहीं करूँगी ना तो ऐसे ही घूमेगी, लग जाऊंगी घर की डस्टिंग में। क्योंकि हल्का फुल्का जो डस्ट होता है ना, वो आप साफ करते रहिए ना, तो आपका घर बहुत ज़्यादा डर्टी कभी नहीं होगा। हमेशा आपका घर क्लीन क्लीन दिखेगा। डीप क्लीनिंग जब आप करोगे तो भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसलिए मैं हमेशा हर 2 दिन पे या 1 दिन पे जब भी मुझे फुर्सत मिलता है तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ खिड़की वगैरह का, बाकी अलमारी उलमारी का। और यहाँ बच्चों का एग्जाम शुरू हो गया है ना, तो इसकी वजह से रुपेश का भी मुझे सुनना पड़ रहा है, वो लर्न करके दे रहा है मुझे, और छवि का भी मैं सुन रही हूँ। एक एक क्वेश्चन वो लोग लर्न करके मुझे सुनाते जा रहे हैं। तो ये बच्चे अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। पहले मैं घर की डस्टिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कामों में लगूंगी। और ये जो मैं आगे पीछे हो रही हूँ ना, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था, इसलिए मैं आगे पीछे हो रही थी, क्योंकि जिस पैर पे मेरा दबाव पड़ रहा था ना, वो बिल्कुल जलन होने लग रहा था, तो इसलिए दूसरे पाँव पे जो होता है दबाव दे रही थी। और ये कोई खबर नहीं है कि जिसे मैं सुन के शौक हो गई, ये बच्चों के सब्जेक्ट की कॉपियाँ हैं और वो सब लर्न करके मुझे सुना रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। थोड़ा हट के टाइटल लिखिए तो अच्छा होता है, लोग क्लिक करते हैं, इसलिए मैंने भी ये ट्रिक आजमाया। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैंने घर का सारा काम कर दिया है। डेली का वही काम, झाड़ू पोछा कर दिया है और अभी बनाऊंगी चाय। पर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था तो अभी थोड़ा देर बैठ गई हूँ, थोड़ी देर बाद उठूँगी तो फिर चाय बनाऊँगी। और बच्चे भी यहाँ पे देखिए लर्न कर रहे हैं। ज्योति आज आ गई, ज्योति कल ही आ गई थी शाम को, तो आज वो कॉलेज गई थी तो वो भी थक गई है, सो रही है। और फिर चलिए मिलते हैं, अभी थोड़ा देर सो लूँ, क्योंकि सोऊंगी नहीं, बस लेटूंगी, क्योंकि टाइम नहीं है अब सोने का। थोड़ा देर लेट लूँ क्योंकि काम करते करते ना पूरा पैर जो है वो दर्द होने लगा है और सर में भी दर्द है। तो अभी थोड़ा लेट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और अभी बज रहे हैं 7:30 और हस्बैंड का आज छुट्टी था तो वो फिश लेके आए थे। वैसे हर बुधवार को कुछ ना कुछ बनता ही है हमारे यहाँ, वीक में बस बुधवार के दिन ही हमारे यहाँ कुछ बनता है, क्योंकि बाकी दिन हस्बैंड घर पे नहीं रहते हैं। और जब बुधवार को छुट्टी पे रहते हैं तो नॉनवेज बन जाता है, मूड है तो बन जाता है, वरना कभी पनीर भी आ जाता है, कभी सादा कुछ बना लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरे यहाँ नॉनवेज बुधवार को ही बनता है, क्योंकि सब साथ में रहते हैं, साथ में खाने का बात ही कुछ और होता है। तो मैंने फिश धुल दिया है और मसाले में मैंने लिया है सरसों, धनिया, खड़े मसाले सारे, लहसुन, लाल मिर्च और हरी मिर्च। लाल मिर्च का मैं इस्तेमाल कम करती हूँ, हरी मिर्च का ज़्यादा करती हूँ। तो अभी सारी मसालों को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया, बिल्कुल बारीक पीसना होता है इसमें। और अगर आप जड़ा सा भी मोटाई से पीसोगे ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। तभी देखिए, इस धुली हुई मछलियाँ मैंने ले लिया है और ये 1 केजी मछली है, रोहू मछली है ये। इसमें मैंने डाल दिया है पीसा हुआ सारा मसाला, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला लिया है। और इन सारे मसालों को मछली के ऊपर अच्छे से कोट कर दूँगी। और ये बेसन है फ्रेंड्स, ये मैं भूल गई थी, बस थोड़ा सा ज़्यादा बेसन हमें नहीं लेना होता है। 1 केजी मछली है तो इसमें मैंने 1 चम्मच सिर्फ बेसन लिया है। और सारी मछलियों को अच्छे से कोट करके 20 मिनट के लिए इसे छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद मैं इसे फ्राई करूंगी। तो अभी देखिए 20 मिनट हो चुके हैं और कढ़ाई भी गर्म हो गया है। और सरसों के तेल मैंने सरसों के तेल में ही मैं फ्राई करूंगी, रिफाइंड में इसका उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना सरसों में आएगा। तो देखिए, एक साइड से मछली जो है फ्राई हो गई है, अच्छा कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन। तो मैं दूसरे साइड में इसे पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके से फ्राई करिए तो तेल भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है और मछली भी बहुत अच्छी फ्राई होकर निकलती है। और ये जो मैं मसाले निकाल रही हूँ ना, ये आप अगर सूखे चावल के साथ खाओगे तो बहुत ही यम्मी लगता है, तो हस्बैंड को पसंद है, तो इसलिए मैं ये भी मसाले निकाल ले रही हूँ। और आप देख सकते हो मछली जो है कितनी क्रिस्पी फ्राई होके आ रही है। तो इसी तरीके से बाकी जितना भी मैंने मैरिनेट किया है मछलियों को ना, वो सारी मछलियाँ मैं फ्राई कर लूँगी बारी बारी करके। और अभी ये चावल लेके आए थे हस्बैंड, तो वही मैं पूछ रही थी कि क्या करना है इसे, और तो वही वो बोल रहे थे कि अभी इसे उठा के रख दो क्योंकि ड्रम में चावल अभी है।
तो ये चावल मतलब अभी दो मैं मतलब छत पे रखाता हूँ। छत पे जो हमारे यहाँ मतलब थोड़ा सा स्पेस है, तो जैसे कि मतलब सीढ़ी के पास बीच में मैं कभी आपको दिखाऊंगी वहाँ स्पेस है, तो वहाँ मैं अनाज रखती हूँ जैसे कि गेहूँ चावल। तो ये अभी सीढ़ी के किनारे रख देंगे इस बोरी को, क्योंकि अभी छत पे नहीं ले जाएंगे। अभी वो भी थक के मार्केट से ही आ रहे थे, वो भी दोबारा गए थे किसी काम से, तो इसी वजह से वो मतलब साइड में रख दिए हैं। और अभी देखिए मछली धीरे धीरे मैं फ्राई कर रही हूँ, और इतना ज़्यादा लेट हो गया था फ्रेंड्स, 11 बज गया था मुझे सिर्फ खाना खिला के और किचन क्लीन करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए वीडियो को एंड नहीं कर पाई थी। और मैं कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा मैं थक भी गई थी ना, क्योंकि पैर में मेरे दर्द था, मैं आपको बताई ही थी, इस वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई ना, मतलब डिनर दिखा पाई आप लोगों को ना ही, और मतलब किचन का क्लीनिंग दिखा पाई। तो जब सब लोगों ने डिनर कर लिया, उसके बाद से मैंने मतलब किचन को मतलब धुला, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ नॉनवेज बनता है तो ये मेरा काम हो जाता है किचन धुलने का। और नॉनवेज सच बताऊँ, जब नॉनवेज बनता है ना तो कहीं ना कहीं मुझे डर हो जाता है कि मुझे पूरा किचन क्लीन करना होगा, और कहीं नहीं बना सकती हूँ, किचन ही है एक जगह मेरे पास जहाँ पर मैं मतलब मैं अच्छे से बना सकती हूँ, तो इसलिए मैं किचन बनाती हूँ। जब कभी भविष्य में ऊपर का मतलब फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर है वो बन जाएगा, तो मैं इसे मतलब किचन में नॉनवेज नहीं बनाऊंगी, ऊपर ही बनाऊंगी, अलग कर दूंगी नॉनवेज बनाने का जगह, तो थोड़ा आराम मिलेगा कि कहीं भी बस बैठ के बनाओ, खिलाओ पिलाओ, धुल दो। और ऐसे तो मुझे पूरा किचन, किचन का मतलब नीचे वाला जितना भी एरिया है, डब्बा वगैरह सब मैं धुलती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मतलब जो उसमें से तेल निकला होगा वो मतलब पूरे टाइल्स पे और बाकी जगह मतलब फैल गया होगा, क्योंकि आप जब मछली फ्राई करो ना तो बहुत ज़्यादा तेल इधर उधर मतलब फैलता है। और बर्तन हो गया था तो वो भी मैं धुल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा होता है तो मैं धुलती रहती हूँ। और अभी तक मेरे पैर में इतना ज़्यादा जलन होने लगा था, लेकिन काम है तो करना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद फिर जैसे ही फिश फ्राई हुआ उसके बाद मैंने तुरंत सबको डिनर करा दिया, और ग्रेवी मैं नहीं लगाई थी क्योंकि सभी का मन था आज फिश फ्राई खाने का। रात हो गया है, पर रात हो गया है, सोओगे ना? सुबह उठ के स्कूल कैसे जाओगे? कितना है, कितना क्वेश्चन है देखें। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए मच्छरदानी में, आप देख सकते हो मैं हूँ और यहाँ पर छवि है और रुपेश यहाँ पे बाहर बैठा हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं सोने, और सारा मतलब सब लोगों ने डिनर कर लिया है, और मैंने किचन भी क्लीन कर दिया पर दिखा नहीं पाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 11 बज गया है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।